रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उन्नाव की कुछ खास खबरों का। कुलदीप यादव की देखिए एक खास खबर। उन्नाव के परियर मरौदा सूचित के निवासी कल्याण लोधी को नीलामी के दौरान 15 लाख की सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद सरकारी कागज और दस्तावेज मांगने के बाद भी झील नहीं दी गई, बल्कि दूसरे नंबर पर आने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सिर्फ 12 लाख रुपए में झील दे दी गई। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को अवगत कराने के बाद भी नहीं मिल रहा है भाजपा कार्यकर्ता को न्याय। जांच करवाने का आश्वासन देकर राजस्व विभाग के अधिकारी बरत रहे हैं लापरवाही। ग्राम प्रधान और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है सरकारी पैसों का बंदरगाह। आज उन्नाव जनपद के विधानसभा सदर उन्नाव के खड़ा हुआ हूँ, जो कि परियर क्षेत्र में मरौंदा सूचित करके ग्राम सभा है, जहाँ पे आया हुआ हूँ। किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं सामने, भूमिधर नंबर को लेके, जो कि प्रधान के द्वारा नीलाम किया गया है, जिसमें लाखों का गमन किया गया है। राजस्व विभाग और लेखपाल को मिलके लाखों का गमन किया गया है। आइए जानते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहीं के जो बराबर बुजुर्गों से बस रहे हैं, वो बराबर जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उनके विषय में जानते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। कई बार कई जगह पे एप्लीकेशन कई अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए जानते हैं किसानों से क्या इनकी समस्याएं हैं। आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या है यहाँ पे नीलामी भी कुछ दिन पहले, यहाँ झील है, झील की नीलामी हुई 14,87,000 रुपये की नीलामी हुई, और नीलामी का जो रुपया है वो प्रधान अपने घर पर ले गए और वहाँ से उसे आवास निर्माण करा रहे हैं रुपये से, और निजी खर्च अपना चला रहे हैं, जबकि वो पैसा गांव के विकास कार्यों में लगता था। भूमिधरी नंबर हैं किसानों के कि इंतखाबे निकलती हैं, उन नंबरों की नीलामी बिना किसी किसान को जाने, बिना उसकी फर्जी नीलामी कर, बिना जानकारी, क्योंकि लेखपाल भी मौके पर मौजूद नहीं रहा, ना कोई अधिकारी आया नीलामी करवाने, और उसके बाद में जब पैसे का बंदरबांट हुआ तो लेखपाल भी इन्वॉल्व रहे इसमें। अच्छा, लेखपाल भी इसमें जो है पूरी तरीके से लेखपाल इन्वॉल्व हैं, और जब किसान 100 किसान गए थे वहाँ प्रधान से हिसाब के लिए कि जो है बताइए भाई आप ग्राम समाज का पैसा क्या किया आप लोगों ने किसानों का, तो उन्होंने उनके सहयोगियों ने उन लोगों ने मुकदमा डलवा दिया, हरिजन SCF का मुकदमा, और 452 घर पर चढ़ाई का केस लगवा दिया और प्रधान ने जी। ठीक है, आइए जानते हैं दूसरे किसानों से। समझ लीजिए कि जब कोई किसान यहाँ पे आवाज़ अपनी उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाता है प्रधान के द्वारा। जी सर। और ये प्रधान किस सिस्टम का है, किस व्यवस्था का बना हुआ, किस तरीके का जनप्रतिनिधि है, ये क्या है, आखिरकार क्यों किसानों का खून पीने पर उतारू है, आइए जानते हैं। कैलाश कल्याण राजपूत के माध्यम से कल्याण राजपूत बताएंगे पूरी घटनाक्रम, और इन्होंने ही पूरी हर जगह पे एप्लीकेशन दी है, हर जगह पे हर अधिकारी को अवगत कराया है, आइए जानते हैं। मेरा नाम कल्याण राजपूत है, मैं ग्राम मरौंदा सुचित का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम विजय शंकर है। मैं राजस्व विभाग DM मैडम को, SDM मैडम को भी एप्लीकेशन दिया, DM को भी दिया, अवगत भी कराया। हाँ, जाँच हुई हमारे यहाँ, लेकिन हमारे मरौंदा सुचित में ना जाँच होकर मरौंदा मझवारा में जाँच बैठाई गई, और वहाँ हमें अवगत भी नहीं कराया गया, और जहाँ चुपके से होने के बाद भी वहाँ तनवीर हसन और नेकपाल और दो नेकपाल अन्य थे उनके साथ में, जब हम वहाँ हमें खबर लगी, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा कि आप मरौंदा सुचित छोड़ के और मरौंदा मझवारा में जांच कर रहे हो, तो मेरा यही कहना था कि आप मरौंदा सुचित का मसला था, आपको मरौंदा सुचित ग्राम पंचायत आके बैठना चाहिए था। तो जब मैंने मरौंदा सुचित पंचायत घर में आने की अनुमति दी तो वो हमको धमकी देने लगी, अगर ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस बुला के बंद करवा दूंगा, तो मैंने यही बोला कि मैं गाली थोड़ी दे रहा हूँ आपको। तो उसके बाद मैं काफ़ी गुहार लगाता रहा, गुहार लगाने के बाद जब किसान विद्रोह पे उतरे कि भाई ये 14,87,000 रुपये कहाँ गया, तो प्रधान के जो हमारे गाँव के लोग थे किसान, तो वो प्रधान और प्रधान के सहयोगी, प्रधान हमारे यहाँ के रामपति और उनके सहयोगी अमरकांत और प्रेमपाल थे, तो जब वो लोग उनके द्वारे 100 से 200 लोग पहुँचे, पहुँचने के बाद
उन लोगों ने जब पैसे का हिसाब मांगा तो इन लोगों ने पैसे हिसाब ना देकर गंदी गंदी गांव वालों को धमकी देना, गाली वाली देना, तो गांव वाले वहां से थोड़ा निकल आए और बाद में जब हम लोग चले आए तो उसके बाद उन लोगों ने जाके मुकदमा लिखवा दिया, SC8 का मुकदमा लिखवा दिया। और ये भी हाँ, और ये भी कहते हैं कि हमारा करवा कुछ नहीं पाओगे, आप कुछ भी करो चाहे जहाँ दौड़ो कुछ भी नहीं होगा। हमारा कौन कह रहा है ये? अमरकांत और प्रेमपाल और उनके कौन है? ये उनके सहयोगी हैं, प्रधान के प्रधान प्रतिनिधि। हाँ, प्रधान प्रतिनिधि नहीं है, प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इसमें योगी जी से हमारी गुहार है कि हमारा राजस्व का मसला है, उसकी जांच होना चाहिए। और जांच होने के बाद, जांच हो हमारे मरौंदा सुचीत में हो, हमारे ग्राम पंचायत में हो, तो किसान लोग भी देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 14,87,000 रुपये का लेना देना है और ये सारा 14,87,000 किसानों में ना, किसानों की हेल्प ना करते हुए वो अपना घर बनवा रहे हैं उसी पैसे से। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि घर बनवाएं? अब जैसा कि इन्होंने बताया कि 14,87,000 दिस इज अमाउंट बहुत बड़ा होता, ये अमाउंट बहुत बड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए। 14,87,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब जानते हैं दूसरे किसानों से आखिरकार क्या ऐसी समस्याएं आ गई, क्या ऐसी व्यवस्थाएं आ गई जो मुकदमा लिखने पर प्रधान धमकी दे रहे हैं। अपना पैसा अपनी व्यवस्था को मांगने में प्रधान जो जनप्रतिनिधि विश्वास करके बनाए गए तो उन पर क्यों मुकदमा लिखा जा रहा? आइए जानते हैं दूसरे लोगों क्या नाम है। हमारे गांव में जो नीलामी हुई है 14,87,000 की, वो अवैध तरीके से हुई है, किसानों के विरोध में हुई है। हम किसानों की जमीन है वहां पर, बिना किसी के पूछे जाचे नीलामी कर दी गई और उस पैसे का बंदर बांट किया गया। और प्रधान किसने किया? प्रधान और नेपाल ने, प्रधान और उनके सहयोगी अमरकांत और प्रेमपाल ने। उसके बाद पैसे का बंदर बांट करने के बाद प्रधान ने अपना घर का निर्माण चालू करा दिया है। ये निखा अन्याय है, अन्याय के खिलाफ हम लोग कदम उठाए, आवाज उठाया तो लोग हम लोगों को धमकी देना चालू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता विभाग द्वारा सहकार से समृद्धि के तत्वाधान में किसानों की आय में वृद्धि के लिए BPAC सदस्यता महाअभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। सफल सदस्यता महाअभियान के संपन्न होने के जिला सहकारी बैंक धवन रोड स्थित मुख्यालय पर अरुण सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्नाव में मजदूर की मृत्यु, घर की कच्ची दीवार गिरने से हो गई। सांसद अनु टंडन ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए राशन और अन्य दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को पीड़ित की पत्नी को सौंपा। अचलगंज बंसर स्थित एक निर्माण हो रही फैक्ट्री में बिना परमिशन के प्राइवेट जगह पर मिट्टी सप्लाई की जा रही है। सिस्टम मैनेजमेंट के चलते अवैध मिट्टी खननकर्ता का गिरोह इस हरकत को अंजाम देगा। डांडियाखेड़ा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैंक के युवक के साथ हुई चोरी की घटना, करीब 1,00,000 से अधिक रुपए की हुई ये घटना, पीड़ित ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।